अभी जस्ट आए वहाँ से। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का दिन स्टार्ट करने के लिए मैं आ गई हूँ बालकनी में मेरा सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करने के लिए। आज का कुछ कुछ प्लान है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। एनीवेज मैं आपको जो भी हो आपको व्लॉग में दिखाती जाऊँगी। बालकनी में आज सुबह बारिश हो रही थी और ये जो येलो फ्लावर्स है ये तो मतलब चार चांद लगा रहे थे हमारे बालकनी को। सूर्य नमस्कार मैंने 5 times किया और प्राणायाम भी किया तो भूख बहुत लग रही थी। चलिए अभी नीचे जाते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट बनाते हैं। आज बना रहे हूँ स्प्राउट उपमा। ये बहुत ही हेल्दी होता है, प्रोटीन रिच होता है, तो इसके लिए कड़ी पत्ता चाहिए था, वो मेरे गार्डन से लेके आ गई। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। इसके लिए थोड़ा सा तेल, इसमें जीरा, कड़ी पत्ता, ऑनियंस और मिर्ची, ये सब जो रखा था वो डाल देंगे। हल्दी नमक डाल के इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। इसमें स्प्राउट ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखा था वो डाल देंगे एंड थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। हो गया हमारा प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट रेडी। बाहर इतनी बारिश हो रही थी, ब्रेकफास्ट बाहर करने का मन था लेकिन हो नहीं पाया। मीहू को रेडी करके उसको सुला दिया और हमें बाहर जाना था तो उसके लिए कपड़े भी प्रेस कर लिए। आज सुबह से टाइम ही नहीं मिला चाय पीने के लिए, तो जैसे ही फ्री हुई थोड़ा सा चाय लेके बाहर आ गई पीने के लिए। सुबह से बहुत सारे काम हो गए तो अभी छोटी भी सो गई और मुझे जस्ट हेयर ऑयल अप्लाई करके शैम्पू करना है। आज हमें लंच बाहर करने जाना है तो रुद्र बाहर गए हैं, तब तक जो जब तक आते हैं तब तक हम सबको रेडी रहना है, फिर हम निकलेंगे। जब तक मैं रेडी हो रही थी तब तक रुद्र भी बाहर से आ गए थे, मिठी माँ सब रेडी हो गए थे। थोड़े टाइम में निकलेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया, छोटे बच्चे रहते हैं तो लेट होता ही है। एनीवेज यहाँ से जस्ट 15 मिनट की ही दूरी पे है तो वहाँ पे मिलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं रेडिशन ब्लू एंड आई विल शेयर माय होल एक्सपीरियंस टू बी इन अ 5-star होटल फॉर द फर्स्ट टाइम। चल मिठू, हम रेस्टोरेंट में घूम के देख रहे थे कहाँ पे क्या सब फूड मिल रहा है सो दैट एक आइडिया कर पाए कहाँ से क्या क्या लाना है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सूप। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुजीन थे, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, यू जस्ट नेम इट एंड यू विल गेट इट। टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था, हम सब ने एंजॉय किया एंड द प्राइस वाज लिटिल हायर। जब आप इतने प्रीमियम प्लेस को जाते हो तो आप सिर्फ फूड के लिए नहीं, आप वहाँ का एम्बियंस, सर्विस और रिच एक्सपीरियंस के लिए भी पे करते हो। हम वहाँ पे बुफे लंच के लिए गए थे एंड वन मोर टिप, अगर बुफे के लिए जा रहे हो तो 2-3 घंटा हाथ में रखना क्योंकि लास्ट को मीहू का रोना बंद ही नहीं हो रहा था।
अभी जस्ट आए वहाँ से लंच करके, खाना बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी भी था। तो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी, मीहू भी उठ गई थी, तो हमने फटाफट से बालकनी में जाके उसका फर्स्ट फोटो शूट किया, घर पे ही किया, इतना कुछ ताम झाम नहीं किया। तो ये जो व्लॉग है ये मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।